और दूसरी बड़ी खबर मुंबई से आई है, कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, 144 लागू कर दी गई है। ये फैसला शहर में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लिया गया है। धारा 144 सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी लागू रहेगी। मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि धारा 144 मुंबई में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 77,000 के पार पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,74,761 पर पहुंच चुका है। और सिर्फ मुंबई के अलावा आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ठाणे, मीरा भाईंदर और कल्याण डोंबिवली में पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ठाणे, कल्याण डोंबिवली में 2 जुलाई से 12 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जबकि मीरा भाईंदर में आज शाम 5 बजे से 10 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों में आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दो बड़ी खबर है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई। एक तो ये कि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, और दूसरा ये कि कुछ मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास इन दोनों खबरों को लेकर है? देखिए मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जब धारा 144 जब लागू होती है, इसका मतलब होता है जमावबंदी। मतलब कि कहीं पर भी दो जो है वो जमावबंदी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये करने की आखिरकार नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जब अनलॉक वन जब शुरू हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, तो जब 8 जून को लगभग काफी सारी रियायतें दे दी थी सरकार ने, तो सरकार ने पिछले तकरीबन एक महीने में ये देखा कि लोग रियायतों का गैर फायदा उठा रहे हैं, बेवजह में लोग इधर उधर घूम रहे हैं और ग्रुप बना करके घूम रहे हैं। वो वैसी स्थिति है जैसे कि कुछ है ही नहीं, जबकि साफ तौर पे कहा गया था कि ये एक कोरोना काल है, इसमें हमको संयम बरतते हुए अपनी सावधानी के साथ अपनी चीजों को जारी रखना है। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से मजबूरन सरकार को, प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, उनके जो मुख्य सलाहकार हैं अजय मेहता, उन्होंने इस समय पूरी इस तरह की छूट दे दी है, खासतौर से जो भी जिलाधिकारी और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके इलाके में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लोग मान नहीं रहे हैं, तो उनको पूरी इस तरह की फैसला लेने की छूट है कि वो पूरी तरह का लॉकडाउन लगा दें। उसी का ये असर देखने को मिल रहा है कि मुंबई के जहां पर आप समझ सकते हैं कि जो उत्तरी इलाका है, खासतौर से गोरेगांव से लेकर के बोरीवली, और वही ईशान मुंबई है जो भांडुप, मुलुंड और ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों को लेकर के मुंबई में, वही मुंबई के आसपास जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, या फिर आपकी ठाणे महानगर पालिका है, या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है, इनके जो कमिश्नर हैं, उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह से लगाने की बात की है। जहां पर मीरा भाईंदर में 1 से 10 तारीख तक है, वहीं 2 से 12 तक ठाणे और कल्याण डोंबिवली में पूरी तरह से लॉकडाउन है।